नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम वन शेयर एकेडमी। बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। बीसीजी स्टॉक में यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि कंपनी की तरफ से और सेबी की तरफ से, एक्सचेंज की तरफ से जो कुछ बड़ी अपडेट है वो इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक लाने की कोशिश करता हूँ। और इस चैनल पे मैं उसी स्टॉक के बारे में रिव्यू देता हूँ जिसमें मैंने पर्सनली इन्वेस्टमेंट किया है। इस हिसाब से मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, ना तो सेबी रजिस्टर को एनालिसिस हूँ। तो ये हमारा डिस्क्लेमर रहेगा। बात करेंगे बीसीजी ग्रुप की लेटेस्ट आज की अपडेट के बारे में। तो वो दोस्तों है कि कंपनी की बीसीजी स्टॉक की दोस्तों सर्किट लिमिट चेंज हो गई है। जी हाँ, ये एक पॉजिटिव बात मानी जाएगी। 20% से लेके 10% की सर्किट लिमिट चेंज हो चुकी है। अब ये स्टॉक 10% अप जा सकता है या 10% डाउन जा सकता है। 20% की सर्किट लिमिट, 20% गिरने का अब खतरा नहीं है। एक कदम सेबी का पॉजिटिव ही है। तो ऐसे में दोस्तों बीसीजी की तरफ से जो कल अपडेट आई थी कंपनी की तरफ से, वो भी मैंने कल के वीडियो में बताया था। लेकिन जिस फ्रेंड ने वो वीडियो नहीं देखा उनके लिए बता दूँ कि कंपनी की तरफ से 3 अप्रैल के दिन बोर्ड मीटिंग रखी गई है और उसमें कुछ बिजनेस का अनाउंसमेंट भी हो सकता है। कंपनी का कुछ नया अनाउंसमेंट आएगा तो कंपनी में डेफिनेटली तेज़ी आएगी, क्योंकि जिस प्राइस पर आ चुका है वहाँ से अब गिरने का ज़्यादा चांस नहीं है। क्योंकि 20% की लोअर सर्किट लगने के बाद दोस्तों यहां से बाउंस बैक होना ही चाहिए। यदि बाउंस बैक नहीं हुआ तो ये स्टॉक 10 रुपये तक भी जा सकता है, लेकिन उसकी उम्मीद कम ही है। क्योंकि इतना कम दाम में अब आने वाले 15 दिन में कंपनी की तरफ से Q4 का रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट की डेट का अनाउंसमेंट होगा, और कुछ 3 तारीख को बड़ी न्यूज़ यदि कंपनी की तरफ से आ गई तो ये स्टॉक रॉकेट बन सकता है। फॉरेंसिक ऑडिट का कुछ अपडेट आएगा तो हमारी चैनल पे आपको डेफिनेटली मिल जाएगा सबसे पहले। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीसीजी के बारे में लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरे पास 2000 शेयर है। और अब कल के दिन यदि इस स्टॉक में गिरावट आई तो मैं 1000 क्वांटिटी का एवरेज अप करने जा रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल डिसीज़न है, क्योंकि यहाँ से रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज़्यादा है। 13 रुपीज़ से यदि बाउंस ले लिया, रिवर्सल आ गया तो 26 रुपीज़ तक जाएगा ही जाएगा। तो पैसा 2 गुना होने का यहाँ पूरा चांस है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको इन्वेस्टमेंट कराने का नहीं है। क्योंकि जब अदाणी का जो मामला था उसमें दोस्तों अदाणी एंटरप्राइज 20% का लोअर सर्किट लग चुका था पिछले दिन, उस हिसाब से वहीं से दोस्तों 1000 रुपये मिल रहा था और आने एक वीक में दोस्तों 2000 तक पहुंच गया। तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि 20% यदि कोई स्ट्रांग फंडामेंटल वाली कंपनी गिरती है तो वहां से रिवर्सल डेफिनेटली आता है, ये रिकॉर्ड है। तो ऐसे में उस हिसाब से यदि कल थोड़ी बहुत गिरावट हुई तो वहाँ से मैं खुद को 1000 क्वांटिटी के साथ एवरेज अप करने जा रहा हूँ और मेरी क्वांटिटी हो जाएगी 3000। तो ऐसे में यहाँ बीसीजी पर मेरी बड़ी नज़र है, मैं भी बड़े लॉस में हूँ। अभी 34 की एवरेज थी, वहाँ से एवरेज करते करते अभी मेरी एवरेज 26 की है और अब यहाँ से आगे एवरेज होगी तो 20 पे आ जाएगी। तो देखते हैं आगे कल मार्केट कौन सा डायरेक्शन में तय करेगी। ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है, वो स्टॉक के लिए अच्छी बात है। तो यहाँ से जो 10% की सर्किट लिमिट चेंज हुई है वो भी पॉजिटिव है। कंपनी ने अपडेट दिया है 3 अप्रैल के दिन बोर्ड मीटिंग का, वो भी पॉजिटिव है। तो यहाँ रिवर्सल बनता है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट के साथ कहता हूँ, क्योंकि आने वाला पूरा वीक स्टॉक का आने वाला फ्यूचर तय करेगा। इसलिए हमारी चैनल के साथ बने रहे, लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। जय हिंद।